सत्या, तूने ब्लडी मिरर्स के बारे में सुना है? सुना है, वही ना एक लोटा तेल की कहानी, बहुत पुराना हो गया है। ए, मैं तेल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लड़की की बात कर रहा हूँ जिसने एक भूत की फिल्म में काम किया था और उस फिल्म में उस लड़की की दर्दनाक मौत हो जाती है। उस फिल्म में अगर कोई भी आईने के सामने 3 बार माया माया बोले, जो उस लड़की का नाम था, तो डायरेक्ट उसका ऊपर का टिकट कट जाता था। मैं अपना खुद का 3 बार नाम लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, फिर मैं और किसी का 3 बार नाम लेके क्यों मरूं बता? मुझे इन सब बातों पे भरोसा नहीं है। तुझे मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। कल ना मेरा बॉस मुझे एक कहानी सुना रहा था। हमारी वेबसाइट पे ये नेक्स्ट सीरीज है जो पब्लिश होने वाली है, ये भी उसी तरह की एक भूत की कहानी है। आधी रात हो चुकी थी और सडनली मेरे स्टूडियो से ना एक अजीब सी खुशबू आनी शुरू हो गई थी। अबे पागल, कहीं से गैस लीक हुई होगी, बदबू कहते हैं उसको। हॉस्पिटल में जैसी खुशबू आती है ना, वैसी वाली खुशबू। हॉस्पिटल जैसी खुशबू? अच्छा, वो खुशबू किसी हॉस्पिटल से आ रही थी? नहीं, खुशबू कहाँ से आ रही है ये पता करने के लिए मैं पूरे स्टूडियो में घूम रहा था। बहुत ही अजीब सा लग रहा था। ए शिवा, ऐसी कहानी मत सुना यार, चड्डी गीली हो जाएगी। हाँ। अबे पागल, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? अगर तू वो कहानी सुनेगा ना तो घबरा जाएगा। मैं क्यों घबराऊंगा? तू जानता है मुझे भूत वाली फिल्में बहुत पसंद है। तू ज्यादा होशियारी मत दिखा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी सुनने के बाद अगर तू नहीं डरा तो मानू। एक घना जंगल है और उस जंगल में एक आदमी डर कर भाग रहा है, पसीने से लथपथ, उसके कपड़े पूरे भीग गए हैं, हाथ में टॉर्च भी नहीं है। वो एक पुराने बंगले के गेट के सामने आकर रुकता है। अंदर से एक आवाज आ रही है। वो हिम्मत करके मुड़कर देखता है तो अंदर से कोई आ रहा है। फिर वो आदमी बोलता है, माया, तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है। ये एक बार बोलता है, फिर दूसरी बार बोलता है और फिर तीसरी बार, माया, तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है। और सडनली हॉस्पिटल में जो खुशबू आती है ना, वही खुशबू आती है। खिड़की से कोई अंदर आ जाता है और वो भागने लगता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कि बोलने के लिए मुंह खोलता है तो उसकी आवाज मुंह से निकल नहीं पाती, उसकी आवाज गले में रह जाती है और फिर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद क्या होता है? पता नहीं, राइटर ने आगे लिखा नहीं। जब वो लिख लेगा तो अगले हफ्ते बता दूंगा। छोड़ यार, हमारी वेबसाइट में ये पब्लिश करने से पहले एक डिस्क्लेमर दिखाएंगे। यही ना, धूम्रपान और मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नहीं, माया तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है, ये 3 बार बोलो। अच्छा, 3 बार बोलना है? 4 बार बोलेंगे। अगर नहीं मरे तो तेरा भूत आके चॉकलेट देगा क्या? मैं भी इसे एक कॉमेडी समझ रहा था, लेकिन कल रात जब मैं घर में अकेले था, सारे काम करने के बाद मैंने लाइट ऑफ करके माया का नाम 3 बार पुकारा, तो मुझे भी एक अजीब सा डर लगने लगा। मुझे वही आवाज आई जो उस राइटर ने लिखी है, माया, तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है। अच्छा तो तू क्या कल रात को मर गया था क्या? और मैं अभी भूत के साथ बैठ के शराब पी रहा हूँ, तू भी ना, कैसी पागल जैसी बातें करता है, थोड़ा चुप रहा कर यार। तो एक काम कर, तू 3 बार बोलकर दिखाना। कार्ड्स खेलने तो बोल, मैं खेलता हूँ, लेकिन ये बच्चों वाला खेल मैं नहीं खेलूंगा। बच्चों का खेल? अरे बोलना, डर गया? मैं नहीं डरता। तू एक काम कर, तू अपनी भूतनी को बुला, मैं रात भर उसके साथ बैठ कर डुएट गाऊंगा। क्या बात करता है, मैं डर गया। तो तू माया का नाम 3 बार नहीं बुलाएगा? माया, तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है। क्यों भाई, तेरे गांव में अगर तू 1 बार बोलता है तो 3 के बराबर होता है।
क्या बकवास है माया, तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है। लगता है भूत को अर्जेंट कॉल आया है, इसलिए बाथरूम गई होगी, है ना शिवा? माया, तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है। लगा 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 अरे मैड, अभी मेरा हार्ट बाहर आ जाता। अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रही तो मैं अपने गांव लेके जाऊंगा तुम्हें, ना मैंगलोर में मच्छी बिकवाऊंगा, याद रखना। पर ये तो शिवा का आइडिया था। ये बहुत भाव खा रहा था ना, तेरे लिए बिल्कुल सही प्रैंक बनाया था। तेरी तो ऐसी की तैसी। थैंक्स भाई। ये सलामी अपने ऑफिस में जाके मार। हाँ चल बाय। हाय पॉल, हाउ आर यू? हाउ यू डूइंग? गुड बडी। हेलो, क्यों भाई रात में सोया नहीं क्या? क्या करूं सर, बॉस ने रोक लिया था। मैं यूके में काम कर रहा हूँ या बेंगलोर में पता ही नहीं चल रहा। ये सुधरेंगे नहीं। शिवा, हाय शिवा। तो तुम क्या कह रही थी? सर मैं ये कह रही थी कि अगर हम कुछ ऐसा करें तो बहुत अच्छा होगा। और ये देखिए, ये कितना सुंदर है। ओके। और ये प्लान जरूर काम करेगा। आई सी। स्केचेस। सेट या शिवा? या मीट मदन। हाय सर। तुमने जो स्केचेस लिए हैं वो इनकी कहानी के लिए। रात को पार्टी जोरों में थी। फ्रेंड का बर्थडे था इसलिए पार्टी देर रात तक चलती रही। स्केचेस? या वो तो दिख रहा है, पार्टी बहुत जोरों में चली थी। क्यों? बेचारे का एक बार बर्थडे आता है सर, इसलिए। क्या हुआ सर, कुछ हुआ है क्या? कल रात की पार्टी में किसी ने भूत की कहानी सुनाई थी क्या? आपको कैसे मालूम सर? माया बोल के तीन बार बुलाना, ये तुम्हारे डिस्क्लेमर ने पूरी कहानी बता दी। आखिर कहानी क्यों सुनाई? ऐसे ही कुछ मजाक किया था सर। कल रात पार्टी में कितने लोग थे? मैं, मेरा फ्रेंड सत्या और उसकी पत्नी लूसी, बस। गारंटी ना? 100% सर। एक बार दोबारा सोच के बताना, सिर्फ तीन ही लोग थे ना? जी हाँ सर। फिर ये कौन है? चलो फ्री होके कॉल करती हूँ। रेडी? क्या नाम है? शर्मिला देसाई। देसाई? अपनी अर्जुन सर की वाइफ है। ओह, हमारे अर्जुन की, मींस फ्यूचर के सुपरस्टार की बीवी। सर ये उनका नाम यूज नहीं करती। वो क्यों, क्या डर है, बताना चाहोगी?
मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। बैठ जाइए। लाइन समझ में आ गई ना शर्मिला देसाई? अब आप इस स्क्रिप्ट को छोड़ दीजिए, मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूं। आपका पात्र भी उसी में है, माया। आपकी शादी को एक साल हो चुके हैं, आपकी शादी की पहली सालगिरह है और आज ही आपको मालूम पड़ता है कि आप अब प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। लेकिन तभी आपको पता चलता है कि आपका पति किसी दूसरी औरत के प्यार के चक्कर में फंस चुका है। आप दोनों अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ किसी पॉश रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां डिनर टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठते हैं। अब आपका पति वॉशरूम यूज करने के लिए जाता है, तब आप अपने पर्स में से जहर निकालती हैं और ग्लास में मिला देती हैं और उसमें थोड़ा सा ड्रिंक डाल देती हैं। अब पति वापस आता है, आप समझ लो कि मैं ही आपका पति हूं। इस सिचुएशन को तुम कैसे निभाओगी? She's good. क्या एक्टिंग किया तूने? पीके तो तुझ पे फुल पीदा था। एए, सॉरी, तुमने कुछ कहा क्या? तू कल रात को सोई नहीं क्या? तुझे हो क्या गया है? From how many days you didn't sleep? Let me know. At least अर्जुन से तो बात कर सकती है ना? उसे छोड़ के कोई और बात करो, मैं जवाब दूंगी। Okay, okay. तुझे एक बात बताती हूँ। मैंने तेरे एक काम के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। मेरा टाइम भले ही खराब हो चलेगा, पर तेरा काम हो जाना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। काउंसलिंग, सोच ले एक बार। ए, एक मिनट वहां रुक, मनी विड्रॉ करना है। फिर से चेक बाउंस हो गया। आखिर ये लोग कब सुधरेंगे पता नहीं। मैं कहती हूँ इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। फोन ऑफ है। आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? हलकट कहीं के। पैसा नहीं देने में आखिर इनको क्या मजा मिलता है, मैं कभी नहीं समझी। वो एडवर्टाइजमेंट तो टीवी पर भी चल रहा है यार। कल मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, शायद पैसे मिल जाए। सुन, आगे से तू किसी से भी चेक के लिए हामी मत भरना, कैश की डिमांड करना। तुम मुझे और पैसे उधार दोगी क्या? मैंने तुझे कब मना किया है? मैं मिलते ही वापस लौटा दूंगी, सॉरी। पहले तो उस प्रोड्यूसर से पैसे निकालने के बारे में सोच, उसके बाद मुझे पैसे लौटाना। तू जानती है मेरे पिताजी के अकाउंट में अगले 4 जनरेशन के लिए पैसे हैं, लेकिन मुझे देखना, मुझे सिर्फ फिल्म का नशा है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मुझे किसी और का पैसा नहीं चाहिए।
हंस रही है। स्वाति, स्वाति, जान निकल जाती। अभी तू भी ना, कितनी बार बोला है बेडरूम की लाइट मत ऑफ किया कर। अरे मैंने तो ऑफ नहीं किया। क्या हुआ? अर्जुन आने वाला है ना। किस लिए? और किस लिए, तुझसे मिलने के लिए और मीरा से बात करने के लिए। जब तक मैं जिंदा हूँ वो मेरी बेटी से नहीं मिल सकता। अरे सुन तो, ऐसा उसने क्या गलत कर दिया जो कि तू अभी तक नाराज है? वो अपनी बेटी से भी नहीं मिल सकता क्या? ए तू अपने आप को समझती क्या है? अरे तू भी जल्दी शादी कर ले, फिर मैं बताऊंगी। वो यहां नहीं आना चाहिए, समझ गई ना? से तो अपना काम खुद कर लिया कर, मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं। सॉरी। आई एम सॉरी। सुन, तेरे और अर्जुन के बीच में जो भी मैटर है वो पर्सनल है, मुझे उससे क्या लेना देना। हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। तुम्हें जो भी करना है करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। आओ।
तुम्हारी फिल्म का है? बस 3 हफ्ते के अंदर हम लंदन चले जाएंगे, पोस्ट प्रोडक्शन वही करना है। पीके तो आजकल फुल टेंशन में रहता है। फिल्म कंप्लीट हुए 6 महीने हो चुके हैं लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिला। वो क्यों, फिल्म अच्छी नहीं बनी है क्या? फिल्म तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन बहुत डरावनी है पता है। अपने यहाँ भूत की फिल्में तो हरदम बनती रहती हैं, इसमें क्या खास बात है? एपिंग फॉरेस्ट के बारे में सुना है? लंदन में है? नहीं, ऑलमोस्ट पूरी फिल्म वहीं शूट हुई है। रात हो जाने के बाद वो जगह खतरनाक हो जाती है। वहाँ एक बार जाने के बाद ही मुझे भी भूतों पे भरोसा होने लगा सच में। वो क्यों, ऐसी क्या बात है वहाँ? अजीब सी आवाजें आती है वहाँ, लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगती हैं। अब छोड़ो भी यार, मुझे डर लग रहा है। हमारे बेडरूम की लाइट की तरह हमेशा अपने आप ऑन ऑफ होती रहती है। I got you. चल ला दे, पोस्टर दे, मैं रख देती हूँ। चल चल, यहाँ लगाती हूँ। ये पकड़। थोड़ा सा लेफ्ट ले। हाँ ठीक है, मुझे डराएगी? जब तक तू फोन नहीं उठाएगा वो तुझे नहीं छोड़ेगी। उसे छोड़ दिया भाई। तूने छोड़ दिया ना, लेकिन उसने अभी तक तो नहीं छोड़ा। एक बार फोन उठा और उसको साफ साफ बोल दे कि फोन दोबारा मत करना। इन्हें अकेला छोड़ दो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है, वो तुझे कॉम्प्लिकेटेड बोल के जा रही है भाई। वो जब फोन करती है तो तुझे भी अच्छा लगता होगा, है ना मिस्टर शिवा? तुझे क्यों ऐसा लगता है? सपोज कल वो अपने खड़ूस पति का घर छोड़कर डिवोर्स देकर तेरे पास वापस आएगी तो तू क्या करेगा बता? ऐसा कुछ नहीं है, चल बैठ जा। बैठ ना, चल बैठ। इस फोटो में कहते हैं भूत प्रेत दिखता है, लेकिन मेरी नजर में ये सब लाइट की रिफ्लेक्शन के कारण हुआ है। भूत हो ना हो मैं नहीं देखूंगा, ये तेरे पास है। बैठ बैठ। मैंने जो स्केच बनाया है उसके बेसिस पर ये माया है। उसका नाम 3 बार लोगे तो वो आ जाएगी, ये उनका सोचना है। ये क्या, जब देखो तब मजाक। I'm very serious. ये क्या यार, कभी कभी तेरा दिमाग बिल्कुल खराब लगता है, जी करता है घोप घोप के मार दूं। Hey guys, मेरा काम फिनिश हो गया। Let's go. चल ना। It's a phone. Let's go. I just join you. Hello सत्या। Hello. कहाँ हो, कैसी हो, क्या कर रही हो, कुछ नया समाचार? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो बोलो। शिवा मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रहा, मैं कौन हूँ वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। पहले मैं और शिवा भी बेस्ट फ्रेंड्स थे, अभी वो क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्या। वन मिनट, क्या मजाक कर रही हो? लव करता था तुझे, शादीशुदा लड़की से प्यार करी, इतना गिरा हुआ नहीं है वो। मेरा फ्रेंड बहुत भोला है, तू उसे छोड़ दे और अपना रास्ता ढूंढ ले। शिवा सब कुछ भूल गया है, तू भी उसे भूल जा, इसी में दोनों का भला है। उसे अपनी जिंदगी जीने दो, तंग मत करो। हाँ।
सुनने में तो आइडिया अच्छा लग रहा है। hey, हाँ। मुझे छोड़ के इतनी दूर चले आए। hey, चल चल। hey, शिवा सर, आप यहाँ, व्हाट अ सरप्राइज। मैं शहर की खूबसूरती को देख रहा था, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लंच के लिए जा रहे थे सर। ओ, ओके। क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे? अरे नहीं, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। कम ऑन कम ऑन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो। आप इतना फोर्स कर रहे हो तो मना कैसे कर सकता हूँ। ब्यूटीफुल व्यू। लंदन में ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है, मुझे लगता है ये सबसे रोमांटिक जगह है। सो आप यहाँ पर कहाँ रुके हैं सर? एक मेरा फ्रेंड है, वो इम्पीरियल कॉलेज में प्रोफेसर है, मैं उसके साथ कुछ दिन से रुके हैं। ये उनके मेहमान हैं? या मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? ऐसा कुछ नहीं है सर। शिवा सर, लगता है तुम्हें कल की मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? भरोसे की बात नहीं है सर, आपने जो बताया वो सही है, पर कुछ और भी तो हो सकता है ना, भूत वूत इस जमाने में। तुम भूतों पर भरोसा नहीं करते ना? इनसे इनकी नोवेल के बारे में। I don't know anything. You ask him. शिवम ने मेंशन किया कि आपके नोवेल रियल स्टोरी पर बेस है, क्या ये सच है? ये हिंदी काफी अच्छा बोल लेती है। अभी मैंने सिर्फ जोक सिखाया सर। देखो समझ गए सर। माया देवी भारत के एक राजघराने में पैदा हुई थी। माया देवी सच में है? राजघराने में पैदा हुई है तो उनके पास बहुत पैसा होगा ना? देश के आजाद होने के बाद उन्होंने अपने राजमहल को बेचकर अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। माया देवी की शादी की उम्र हो गई थी और वो एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उनके परिवार को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये कितना रोमांटिक है ना। कभी कभी सुन भी लिया कर पगली, हर बात के बीच में रोमांटिक बोल के चिपका देती है। उस टाइम रोमांस के लिए इतना खुलापन नहीं था। करेक्ट। इस तरह बेटी की खुशी के लिए माया के माता पिता ने उसी लड़के के साथ माया की धूमधाम से शादी करवा दी। शादी में उन्होंने खानदान की एक बेशकीमती अंगूठी माया को पहनाई, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू लगभग 100 करोड़ की होगी। बहुत ही अद्भुत अंगूठी थी वो। तो आ गया हैप्पी एंडिंग। शुभम नहीं, माया की शादी होने के एक साल बाद ही कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता चल बसे और उनकी सारी जायदाद उनकी इकलौती बेटी माया को मिल गई। कुछ महीनों के बाद माया देवी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं और वो इस बात से बहुत खुश थी। लेकिन तभी माया देवी को पता चला कि उसके पति का किसी और के साथ नाजायज संबंध है और वेडिंग एनिवर्सरी के दिन वो मरा हुआ पाया गया, खाने में जहर मिला हुआ पाया गया। एविडेंस के अनुसार ये पाया गया कि माया ने खुद अपने पति को मार दिया। माता पिता तो पहले ही मर गए थे और यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। माया अकेली रह गई और वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में चली गई। कोर्ट के आदेश से उसके पिताजी के साथ बिजनेस पार्टनर रहे उसके अंकल ने अगर इंडिया में इलाज कराएंगे तो उसके राजघराने की बेइज्जती होगी, इसलिए विदेश में ही रह करके उसका इलाज करेंगे, ऐसी परमिशन ले ली और यहाँ यूके के एक असाइलम में उसे भर्ती कराया गया। वो बहुत ही अजीब जगह थी, वहाँ पेशेंट के साथ जानवरों के जैसा बर्ताव किया जाता था। बहुत से पेशेंट ने वहाँ से भागने की कोशिश भी की लेकिन। पर ये तो डरावना है। सच्चाई उससे भी ज्यादा डरावनी है। असाइलम में भर्ती होने के बाद माया किसी से बात नहीं करती थी। वो अकेले कमरे में बचपन से जो डायरी उसके पास में थी उस पर कुछ ना कुछ लिखती थी। और उसकी बेटी, वो प्रेग्नेंट थी आपने बताया था। रिकॉर्ड के अनुसार उसकी बेटी असाइलम में ही पैदा हुई। बेटी के पैदा होने के बाद माया की जिंदगी में रोशनी आई। उसने अपनी बेटी के लिए एक अच्छी सी गुड़िया बनाई। हर रोज वो उसी गुड़िया के साथ खेलती रहती थी लेकिन उसकी खुशी बहुत दिन तक नहीं रही। माया की बेटी को भी माया से अलग कर दिया गया। ओह नो। माया पर और पागलपन चढ़ गया। वो पूरे अस्पताल में पूछती रहती थी, किसी ने मेरी बेटी को देखा है क्या, किसी ने मेरी बेटी को देखा है क्या, किसी ने भी देखा तो बता दो मुझे प्लीज। अस्पताल का स्टाफ भी माया का मजाक उड़ाता था, माया तुम्हारी बेटी मेरे पास नहीं है, कहीं और जाकर ढूंढो। घटिया लोग हैं। रूमर ऐसा भी फैला है कि उस अस्पताल का एक ड्रग कंपनी के साथ बहुत बड़ी डील हुई थी। अस्पताल का स्टाफ पेशेंट के ऊपर
ड्रग्स का टेस्ट किया करते थे। इसी की डील ड्रग्स कंपनी के साथ हुई थी। ड्रग माया पर भी इस्तेमाल किया गया था। इससे माया को दिखना बंद हो गया। एक दिन उसकी मौत हो गई। उसने आत्महत्या की या उसका एक्सीडेंट हुआ, ये बात किसी को पता नहीं चली। आखिर में असाइलम में ही उसकी समाधि बना दी गई। उसके साथ वो डायरी, बेटी की गुड़िया और वो बेशकीमती अंगूठी को भी दफना दिया गया। कम से कम 15 साल के बाद जब अस्पताल का राज खुला तो इंग्लैंड सरकार ने उसे बंद करा दिया। अब वो असाइलम बंद पड़ा है, लेकिन अभी भी उस असाइलम के पास जाएं तो माया और उसकी बेटी के साथ गुड़िया से खेलने की आवाज़ सुनाई देती है। उस बेचारी ने बहुत तकलीफ उठाई थी और उसे हैप्पी एंडिंग भी नहीं मिली सर। हैप्पी एंडिंग मिली या सैड एंडिंग मिली उसका पता नहीं मुझे, लेकिन एंडिंग बहुत खतरनाक हुई। थैंक यू, वी हैड ए गुड टाइम। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। तुम इन्हें घर पर क्यों नहीं छोड़ा था? आपको छोड़ दूं? नो 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 नो, आप इतनी तकलीफ क्यों दूं? इसमें तकलीफ की बात क्या है? आइए सर। ओके, सी यू, बाय। ओके ठीक है सर। माया देवी की घटना को हुए कितना साल हो गया होगा? 24 साल हो गया सर। वो अंगूठी भी उनके साथ दफना दी गई थी ना, तो उस समाधि को खोद कर किसी ने अंगूठी निकालने की कोशिश नहीं की? कुछ साल पहले कुछ लोग उस अंगूठी को लेने जंगल में गए थे। हाँ। वापस नहीं आए। हाँ। एक लड़की को उसका दोस्त ढूंढने गया, वहां उसने उसे गोली मार दी। वहां पेड़ से आवाज आने लगी, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। वो एक ऐसी आवाज थी। हाँ। कि आप सुनेंगे तो शौक लग जाएगा। अच्छा, पेड़ के पीछे से जरूर कोई लड़की निकली होगी ना सर? लड़की नहीं, बिना सिर वाला एक आदमी पेड़ के पीछे से निकला। उसे देखकर लोगों ने जंगल में जाना ही छोड़ दिया। आप अंदर जाके बैठिए सर। अंदर जाइए। ए चित्रा, क्या बे, अंगूठी के बारे में जानने के लिए उसको घर पर जाकर ड्रॉप करेगा क्या? छे, तू भी क्या बात करता है यार। चुपचाप जाकर उन्हें घर पर ड्रॉप करके जल्दी आ जाना, फालतू में घूमने की जरूरत नहीं। चल चल, संभल कर। ओके बाय सर। बाय बाय बाय। ओके बाय। अच्छा चलता हूँ शिव। ओके सर। What are you doing? तुम्हारे माँ पिताजी? याद नहीं, मुझे छोड़ के कहीं चले गए। मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। वो लोग कौन है मैं जानती भी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया इसका मुझे पता नहीं चला है। गो ऑन। मुझे और अर्जुन को एक्टिंग करना ही पसंद है। स्कूल में मैं हमेशा ड्रामास में पार्टिसिपेट किया करती थी, और फिर कॉलेज में भी। वही मेरी अर्जुन से मुलाकात हुई एक नाटक के सिलसिले में। उस नाटक में मैं और वो लवर्स का किरदार निभा रहे थे, और मैं अर्जुन से सच में प्यार करने लगी। कॉलेज खत्म होने के बाद हमने शादी कर ली।
एक साल मेहनत करने के बाद भी हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। बहुत सारे ऑडिशंस दिए, एक चांस मिल जाता तो हम खुश हो जाते। साल बीत गया, मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसी टाइम हम दोनों को फिल्म का ऑफर मिला, एक ही फिल्म, हीरो हीरोइन का। फिल्म तो एक ही थी। 2 महीने बाद फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। अगर मैं ये फिल्म करती तो मेरी लाइफ सेट हो जाती, सब ये समझा रहे थे। अर्जुन ने बच्चे का अबॉर्शन करने के लिए कहा। उसने कहा बच्चा तो बाद में भी हो जाएगा, करियर देखो। मैंने मना कर दिया। अगर मैं भी वही काम करती तो मुझ में और मेरी माँ में क्या अंतर रह जाता। मुझे अर्जुन ने कहा था कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तुमने मुझसे कहा था अर्जुन कि मेरे अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अब क्या हुआ? वो चला गया मुझे छोड़ के, और अगले ही दिन मैं स्वाति के घर चली आई, और तब से वही हूँ। स्वाति के घर में ही मीरा पैदा हुई। बच्ची का ख्याल रखने के लिए मुझे भी कुछ करना था, इसलिए मैंने स्ट्रगल स्टार्ट किया। स्वाति ही इसमें मेरा साथ देती है, इसीलिए मैं हमेशा ऑडिशंस देती रहती हूँ। लेकिन आप हमारी इंडस्ट्री को तो जानती है ना, लड़की की शादी हो जाए तो कोई मौका नहीं देगा, सिंगल लड़की को ही मौका मिलता है। वैसे मौका नहीं मिलेगा ऐसा कोई नहीं बोलता। मैं छोटे मोटे एडवर्टीजमेंट्स में काम करने लगी। बहुत मुश्किल का काम है मैडम, लेकिन मैं इसी फील्ड में कुछ हासिल करना चाहती हूँ। मीरा को अच्छी जिंदगी देने का कॉन्फिडेंस मुझ में है। एक बात बताना चाहती हूँ, अगले हफ्ते इसी समय आप मुझे यहाँ आकर मिलना। हाँ, आपकी फीस स्वाति ने मुझे दे दिए हैं, अगली बार से मैं खुद दूंगी प्लीज। ओके। वो यहाँ नहीं है,
मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। हाय, श्रीमान रुद्र प्रताप स्वामी ही है। अंदर नहीं बुलाएगी क्या मेरी बुलबुल? बैठ जाओ ना डार्लिंग, प्लीज। अरे बाबू, इसे अपना ही घर समझो। सर, चेक डिपॉजिट कर दिया है। मुझे लगता है 2 दिन में चेक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपका पैसा दे दूंगी। हमारा पैसा नहीं दे पा रही है और बालों में कॉस्टली शैम्पू यूज करती है। इतने बड़े बंगलों में रहती है, पैसा नहीं है क्या तेरे पास? एक्चुअली ये सब मेरी फ्रेंड का है। फ्रेंड का है तो क्या हुआ, उससे पैसा लेकर मुझे दे। तू क्या करेगी मुझे नहीं पता। कल सुबह 10 बजे तक मेरे ऑफिस में पैसे लेकर पहुंच जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कल सुबह मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो ना मैं तुझे उठा ले जाऊंगा। समझ गई बुलबुल? मैसेज आया है, उदय जी का चेक बाउंस हो गया है। मैंने ऑफिस में फोन भी लगाया था, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर से बात करो। घटिया लोग हैं, अब प्रोड्यूसर का फोन भी ऑफ आ रहा है। तुम भगवान का नाम लो और उसके ऑफिस में बैठ जाओ और पैसा लेकर ही आना। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। मीरा कहाँ है? डे केयर में दे के आई हूँ। तुम बात कर सकती हो? सॉरी यार, ऑफिस में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया है, वो फिल्म को बेंगलोर में रिलीज करना चाहता है इसलिए लंदन तक आ गया है। पीके सर उससे बात कर रहे हैं, लगता है अब अपनी फिल्म रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तुम प्रोड्यूसर के ऑफिस में पहुंचकर मुझे कॉल करो और बिना पैसे लिए वहां से वापस मत आना। मैं यहां दूसरी बार आ रही हूं, बहुत अर्जेंट है, मुझे प्रोड्यूसर से मिलना है। उनका फोन ऑफ है मैडम, लगता है किसी अर्जेंट काम से बाहर गए हैं। कब तक वापस आएंगे कुछ पता नहीं, आप मंडे को वापस आइए ना। तमाशा लगा के रखा है, मुझे आज ही मिलना है। ठीक है, वेट कीजिए। अपने बच्चों को लेकर घर चले गए, सिर्फ आपका बच्चा यहाँ पर है, प्लीज ले जाइए। अरे मैं अभी नहीं आ सकती, आपने कहा था 2 बजे तक आ जाएंगे इसलिए मैंने हाँ किया था। ठीक है, प्लीज 1 घंटे का टाइम और दे दो प्लीज। आधे घंटे में आ जाइए मैडम, मैं 1 घंटा रहा नहीं देख सकती, मुझे भी कुछ काम धंधे हैं। और उन्हें कॉल कर लीजिए ना प्लीज। सॉरी, आप वेट कर रही थी, मैं भूल गई, सर ने कॉल किया था, वो लंदन में किसी स्क्रीनिंग में गए हैं। लंदन? सच में ना? उन्होंने जो बोला मैंने वो बता दिया मैडम। हाय स्वाति, तुम्हारी फिल्म देखने जो डिस्ट्रीब्यूटर आया है उसका नाम क्या है? उदय जी। वो क्यों? उसी से तो मुझे पैसा लेना है। ऐसा क्या? हाँ, अभी मैं उसे चप्पल से मारूंगी। वो अंदर ही बैठा है, फिल्म को खत्म होने में आधा घंटा लगेगा। ठीक है, मैं पीके सर से बात करके उससे पैसे वसूल करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है ना? ओके ओके, बाय, थैंक्स। शिवा और मैं स्कूल के फ्रेंड्स हैं सर। मैंने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और मैं गली गली घूमता रहा। लेकिन बहुत सालों के बाद यहाँ लंदन में हम लोग वापस मिल गए। अब तो आप भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गए हो सर। शिवा ने ही मुझे ये गाड़ी गिफ्ट की है, वो बहुत अच्छा लड़का है, एकदम चांद के जैसा। तुझे मेरी बात पर जरा भी यकीन नहीं है? सुनो दोस्त,
मैं लंदन में शराब पी रहा हूँ, तुम बकवास करना बंद करो। अच्छा सर, आपने कहा रात में उस लड़की का 3 बार नाम लेना बहुत डेंजर बात है। और तो और आपने कहा था रात में जंगल में जाना भी बहुत डेंजर है। ये क्या सर, आप तो जंगल में ही जा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माया की कहानी मैगजीन में शुरू हुई थी, हम असालम के आसपास ही घूम रहे हैं, अगर वो मिल गई तो समाधि भी मिल जाएगी। तो वो अंगूठी भी मिल जाएगी ना सर? कोई सच में अंगूठी को इस तरह समाधि में दफनाता है क्या बे? वो डायरी, वो हिस्ट्री है, वो मिले तो सब कुछ मिल जाएगा। तू सुन रहा है ना स्टूपिड, बिना काम के बकवास करता रहता, तू चुपचाप गाड़ी चला। सर, हाँ जल्दी आ जाना, मेरी वाइफ घर में वेट कर रही है। ठीक है, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा। सर हम दोनों एक डील करते हैं, अगर अंगूठी मिली तो आपका 50 मेरा 50। I love you. मदन सर, मदन सर, सर सर मदन सर, मदन सर, मदन सर, मदन सर, मदन सर,
सर। मदन सर, सर मदन सर, मदन सर, मदन सर, मदन सर, उसने कुछ बताया कि क्या हुआ था? नहीं, ये सिर्फ सोते रहते हैं, सोते वक्त कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। क्या? It sounds like आंखें, आंखें। तुम इसके बारे में जानते हो? आंखें, ये कन्नड़ा वर्ड है, इसका मतलब वो लड़की। डोंट वरी लूसी, सब कुछ अभी ठीक हो जाएगा, तुम उसके साथ रहो। अगर कुछ होता है तो मुझे कॉल करना। मैं सुबह से मदन को फोन किए जा रहा हूँ पर वो फोन नहीं उठा रहा। तो फिर शिवा ने क्या कहा? वो कह रहा था कि वो कैब ड्राइवर के साथ गया और वापस सिर्फ एक ही आदमी आया। तुम्हें नहीं लगता कि उसे मिल गया? क्यों, क्या सोचते हो? मैंने तुझे होशियार रहने के लिए कहा था। हमें उससे बात करनी पड़ेगी। जैसे वो लोग अभी भी वहां हैं। मदन के बारे में, हम दोनों बेंगलोर के कॉलेज में एक साथ पढ़ाते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लंदन चला आया एक रिसर्च के लिए। मैंने बहुत बार उसको बुलाया अपने पास, लेकिन वो कितना पागल है। क्यों सर? वो बहुत बड़ा शराबी था। मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि वो फुल पी करके आया था। वो अपार्टमेंट की छत पे चढ़ के वहाँ से छलांग लगाना चाहता था। अच्छा हुआ कि किसी ने रोक लिया। मान लीजिए अगर वो अपार्टमेंट से कूद जाता तो यहाँ पे मेरी इज्जत क्या रह जाती। हेलो लूसी, एवरीथिंग इज ऑल राइट? क्या, कहाँ? मुझे पता नहीं, जब मैं वापस आई तो वो यहाँ से चला गया था। वो अपना फोन भी छोड़कर चला गया, ये उसकी आदत नहीं है। डोंट वरी लूसी, मुझे लगता है वो ठीक होगा। मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके,
उसके साथ ऐसा हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था शिवा। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्लीज डोंट बी सॉरी शिवा, प्लीज डोंट क्राई, प्लीज। हेलो सर, एक अर्जेंट काम आ गया, आज रात को नहीं आ पाऊंगा मैं। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है, डर गया क्या? नहीं सर, मुझे कुछ तो गलत लग रहा है। वो तुझे पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था। अब काम खत्म करना तेरी जिम्मेदारी है। माया जिस असैलम में थी उसे ढूंढना अब तेरा काम है। सारी डिटेल सिर्फ तू जानता है। अगर आज रात तू नहीं आया तो आ जाऊंगा सर। शिवा, तुम्हें मेरी बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा है ना? हेलो,
स्वाति, 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 माया, तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। Anybody's there? माया, तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। माया, तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। Is anybody there? Hello? Hello? हेलो हेलो, सब कुछ ठीक है सर? सर उदय जी, मिस्टर उदय जी, सर आपको उस चीख के बारे में उन्हें बता देना चाहिए था। ये उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि एक बहुत ही डरावनी फिल्म है। हमने डॉक्टर को तुरंत बुला लिया था, लेकिन ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। अभी ये जांच पूरी नहीं हुई है, आपको दोबारा पुलिस स्टेशन में आके कुछ जवाब देने पड़ेंगे। जी स्वाति, काम हो गया क्या? नहीं, एक बैड न्यूज़ है। क्या हुआ? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। जब से ये फिल्म शुरू हुई है, कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। इस फिल्म की शूटिंग में भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी। सा
मैं सच कह रहा हूँ सर, स्क्रीन पर वो खुद अकेले बहुत तेज दौड़ रहा था, शायद वो कुछ बताना चाह रहा था। अबे स्वामी, हमने अभी तक वो सीन शूट नहीं किया, वो अकेला कैसे दौड़ेगा? फिल्म का कैमरामैन भी मैं ही हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा। अबे डिस्ट्रीब्यूटर को मरे 10 दिन नहीं हुए और तू कह रहा है कि वो एक्टिंग करके मर गया? आहा हा हा हा। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो फिर ठीक है, मैं स्क्रीनिंग की तैयारी करता हूँ। थिएटर में बैठ के आप अकेले देखेंगे क्या? इस पागलपंती के लिए किसी और को ढूंढ ले, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, चल जा। किधर छुप गई बुलबुल? अरे दरवाजा तो खोल। बुलबुल मेरी कितना सताएगी, कब तक तड़प पाएगी बुलबुल मेरी? ए खोल दरवाजा, कहाँ छुपी है? खुल जा सिमसिम, कब तक छुपेगी? मैं कहता हूँ आजा बुलबुल। हेलो, स्वाति, स्वाति, सेकंड रील को चेक किया तुमने? मैंने चेक किया था सर, मुझे तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बीच का पार्ट देखा तुमने? अब क्या देखना है सर, आप एक बार कहते तो मैं देख लेती। आप एक हफ्ते बाहर जाके रेस्ट लीजिए। मैं कहीं नहीं जा सकता, फिल्म में ही मेरी जान है और मैं फिल्म बनाकर ही प्रसिद्ध पुरुष कहलाऊंगा। हाँ, ऊपर उठाकर हो या नीचे गिरकर हो, ख्याति ख्याति हो, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। तुम देखती रहना, सारी पब्लिक इंतजार कर रही है इस फिल्म के रिलीज का। इतना कुछ होने के बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं सर? तुम शायद ये बात नहीं जानती हो, इससे फिल्म का प्रमोशन ही हो रहा है। भारत की सबसे बड़ी डरावनी फिल्म, वॉच इट एट योर ओन रिस्क। स्वाति, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हाँ? हमें क्या करना है? वी विल प्रिंट 5 लाख पोस्टर्स, 5 लाख पोस्टर्स। इट विल बी अ कॉन्टेस्ट, क्योंकि ना तुम आ गई, मेरी जान में जान आ गई। आई रियली मिस्ड यू। मैं भी तुझे बहुत मिस कर रही थी। इस रेंज का मेंटल तो मैंने सपने में भी नहीं देखा, किसी की बात ही नहीं सुनता, साइंटिस्ट की तरह अपनी ही फिल्म बार बार देखता रहता है। तेरी इस फिल्म के चक्कर में उदय मर गया। सिर्फ इतना ही नहीं है यार, वो पागल इस फिल्म का एक कॉन्टेस्ट कराने जा रहा है जो आजकल के रियलिटी शोज की तरह होगा। कैसा कॉन्टेस्ट? जो कोई भी इस फिल्म को थिएटर में अकेले देखेगा उसको वो पागल 5 लाख रुपए देगा। 5 लाख रुपए? ये भी पब्लिसिटी गिमिक्स है, चीप स्टंट्स। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसकी 5 कंडीशंस हैं। हाँ, फर्स्ट, थिएटर में अकेले बैठकर बिना ब्रेक के पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। सेकंड, फिल्म देखते वक्त अगर आपको कुछ भी होता है तो डायरेक्टर इसका जवाबदार नहीं होगा, साइन करके देना पड़ेगा। हाँ। अब थर्ड, फिल्म देखते वक्त ना ही आँख बंद कर सकते हैं ना ही मुंह घुमा सकते हैं। वो ऐसे जब कंटेस्टेंट फिल्म देख रहा होगा तो एक कैमरा उसको लगातार वॉच कर रहा होगा। फोर्थ कंडीशन, पल्स रेट रिकॉर्ड की जाएगी, फिल्म देखते वक्त वो नॉर्मल रहनी चाहिए। 4 पॉइंट हो गए, और क्या? अरेंज किया हुआ शो नाइट का शो होगा और उसे थिएटर में अकेले देखना होगा। वही है पागल कहीं का। हाँ सर। व्हाट? लेकिन ये काम आज ही करना है क्या सर? ओके, आती हूँ।
5,00,000 रुपए बस। हाँ सर। ठीक है ना? ओके है सर। इतना बहुत है। इंसान की जान की कीमत कैसे लगा सकते हैं सर? अरे तुम्हारा फोन बंद करो यार, ये रिंगटोन बजता तो लगता मंदिर में बैठा हूँ। सर ये पोस्टर की साइज करेक्ट है ना? हाँ अंजलि, हाँ? तुम बस मार्जिन को देखो। हाँ बोल। कहाँ हो? शमशान घाट में भूत के साथ हूँ, बोल क्या बात है? मैं अकेले तुम्हारी फिल्म देखने के लिए तैयार हूँ। हाँ? तुम अपने डायरेक्टर से बात कर लो ना, प्लीज स्क्रीनिंग का इंतजाम कर लो। ए पागल लड़की, वो डिस्ट्रीब्यूटर तो बच नहीं पाया फिल्म देखते वक्त, तेरा क्या होगा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है स्वाति, तुम डायरेक्टर से बात करो प्लीज। तू तो जानती है मेरी हालत क्या है, मैं ये फिल्म देखने के लिए तैयार हूँ। तू चुपचाप अपनी बेटी का ख्याल रख समझी, ये काम तू नहीं कर पाएगी। शर्मिला इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी तो ये अच्छा नहीं होगा। आप अपनी नेक्स्ट फिल्म में उसे रोल देने के लिए प्रॉमिस कर चुके हैं, उसे कुछ हो गया तो आप अर्जुन को क्या जवाब देंगे? उसके हाथ में एक छोटी बच्ची है सर, वो मासूम सिर्फ 1 साल की है। डियर स्वाति, देखना कुछ नहीं होगा, मुझे दिख रहा है तुम्हें भी डर लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लंदन में जो प्रोड्यूसर मरा है, इट वॉज एन एक्सीडेंट, उसने कोई पाप किया होगा इसीलिए तो मर गया, हमारी बदनसीबी। जरा सोचो स्वाति, अगर ये आइडिया चल गया तो उससे पैसा मिलेगा और हमारी फिल्म को मिलेगी पब्लिसिटी। ठीक है सर, लेकिन खुद सोचिए। प्लीज स्वाति, मैं आज तुमसे एक वादा करता हूँ, फिल्म को देखते वक्त उसे कुछ भी नहीं होगा, मैं खुद जाकर उसको सही सलामत लाऊंगा, ठीक है ना? तुम उसे अंदर भेजो। सर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, एक बार और सोच लीजिए प्लीज। सोच लिया है, मैं अपने आइडिया पे ही काम करूंगा। मेरी बात मान ले प्लीज, तू इस फिल्म के बारे में क्या जानती है? हर एक सीन के पीछे कुछ ना कुछ अजीब घटना घटती गई है, शूट शुरू होने से लेकर रिलीज होने तक एक्टर्स मर गए, टेक्नीशियंस मर गए। ये देख, इस फिल्म का नाम है पोल्टरगाइस्ट, स्टीवन स्पीलबर्ग ने एक्ट किया था। फिल्म के रिलीज होने के 2 साल के अंदर ही इसके चारों लीड एक्टर्स सबकी अननेचुरल डेथ हुई। पता ये भी चला कि हर एक्टर का कत्ल हुआ था, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। पता है तुम ये सब क्या बात कर रही हो, इन सब से हमारी फिल्म का क्या संबंध है? सॉरी सर, संबंध है। उस फिल्म में भी एक इम्पोर्टेंट सीन के लिए ओरिजिनल स्केलेटन का यूज किया गया था और वहीं से सारी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी सर। फिर भी इसका हमारी फिल्म से क्या संबंध है? शमशान घाट पे शूट मत करिए, हमारे आर्ट डायरेक्टर ने ये साफ सलाह दी थी, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी और शूट कर लिया। आपके कहने पे फिल्म शमशान घाट में शूट हुई और तब से ही सब लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मुझे पता है आप इन सब पे भरोसा नहीं करते, लेकिन अभी इसे जुटलाने का मौका नहीं है। आप शांत मन से एक बार सोचिए, आप समझ जाएंगे। हमारी शूटिंग को खत्म हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन भूत ने हमारे साथ तो कुछ नहीं किया। What a nonsense! We are ready. Let me know when you are ready.
अभी भी देर नहीं हुई है, तुझे पैसों की जरूरत है ना, मैं तेरे लिए कैसे भी अरेंज कर दूंगी। अर्जुन से बात कर सकती हो, तू ये नाटक बंद कर दे प्लीज। ये सब जो मेरे साथ हो रहा है इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा, तू मुझ पर विश्वास रख स्वाति। मैं तुझ पे हर पल नजर रखूंगी, सावधान रहना। सत्या, तूने ब्लडी मिरर्स के बारे में सुना है? सुना है। और उस फिल्म में उस लड़की की दर्दनाक मौत हो जाती है। उस फिल्म में अगर कोई भी आईने के सामने 3 बार माया माया बोले, जो उस लड़की का नाम था, तो डायरेक्ट उसका ऊपर का टिकट कट जाता था। मैं अपना खुद का 3 बार नाम लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, फिर मैं और किसी का 3 बार नाम लेके क्यों मरूं बता? मुझे इन सब बातों पे भरोसा नहीं है। तुझे मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। कल ना मेरा बॉस मुझे एक कहानी सुना रहा था, ये नेक्स्ट सीरीज है जो पब्लिश होने वाली है, ये भी उसी तरह की एक भूत की कहानी है। आधी रात हो चुकी थी और सडनली मेरे स्टूडियो से ना एक अजीब सी खुशबू आनी शुरू हो गई थी। माया देवी भारत के एक राजघराने में पैदा हुई थी। माया देवी सच में है। देश के आजाद होने के बाद उन्होंने अपने राजमहल को बेचकर अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। माया देवी की शादी की उम्र हो गई थी। इस तरह बेटी की खुशी के लिए माया के माता पिता ने माया की धूमधाम से शादी करवा दी। लेकिन तभी माया देवी को पता चला कि उसके पति का किसी और के साथ नाजायज संबंध है और वेडिंग एनिवर्सरी के दिन वो मरा हुआ पाया गया। खाने में जहर मिला हुआ पाया गया। एविडेंस के अनुसार ये पाया गया कि माया ने खुद अपने पति को मार दिया। माता पिता तो पहले ही मर गए थे। कोर्ट के आदेश से उसके पिताजी के साथ बिजनेस पार्टनर रहे उसके अंकल ने अगर इंडिया में इलाज कराएंगे तो उसके राजघराने की बेइज्जती होगी, इसलिए विदेश में ही रहकर के उसका इलाज करेंगे ऐसी परमिशन ले ली और यहाँ यूके के एक असाइलम में उसे भर्ती कराया गया। सच्चाई उससे भी ज़्यादा हॉरिबल है। असाइलम में भर्ती होने के बाद माया किसी से बात नहीं करती थी। उसका पल्स रेट बढ़ रहा है, प्लीज फिल्म रोक दीजिए। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, वो सेफ रेंज में है। Thank you.
शर्मिला। शर्मिला दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। शर्मिला 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 खोल क्यों नहीं रहा? कोई तो हेल्प करो। मैंने आपसे कितना कहा था, आपने मेरी बात नहीं मानी। शर्मिला शर्मिला मैंने एक झूठ बोला था। हाँ, क्या झूठ? उधर जो मर गए उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी। ये क्या कह रहे हैं सर आप? सच बोल रहा हूँ मैं। फिल्म शुरू होने के बाद उनका पल्स रेट बहुत बढ़ गया था। मैंने जाकर कुछ देखा था। क्या देखा था? जल्दी जल्दी करो, खोदते जाओ। यहाँ कोई आता है क्या? पता नहीं सर, पिछले हफ्ते कुछ लोग आए थे। मैं भी कभी कभी आता रहता हूँ। देख क्या रहा है, अच्छी तरह खोद। पैसा लिया है भूलना नहीं। हाँ, आप भी आके हाथ लगा लो सर। क्या बोला? कर तो रहा हूँ, क्यों परेशान कर रहे हैं आप? हो जाएगा, अकेला कितना करूं।
इसने हमारी पार्टी को खराब कर दिया। इसके पास से ये मिला है। तो तू मुझे फॉलो कर रहा था? तू अकेले आया है या और भी कोई तेरे साथ है? तुम्हें यकीन है वो अकेला था? मुझे तो वहां कोई नहीं दिखाई दिया सर, पर वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। राम, तुम गलत मत समझो, ऐसा कुछ नहीं है राम। तूने मेरे ही पीठ पीछे छुरा खोपा। कौन खड़ा है वहां? बेटा जाओ पकड़ो उसे। कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? ए, कौन है ये? बोलना, ये तेरे साथ आई है क्या? तुम दोनों से तो बाद में निपटूंगा। फोन उठा और बात कर, मैं सुनना चाहता हूं। बात कर, फोन का स्पीकर भी ऑन करना। मैंने कहा फोन का स्पीकर ऑन करना। हैप्पी बर्थडे शिवा। कब तक मुझसे ऐसे नाराज रहोगे? एटलीस्ट एक बार बात तो करो शिवा। हेलो, आर यू देयर? प्लीज से समथिंग शिवा। अपने दोस्त को हैप्पी बर्थडे विश करना पड़ेगा। इट्स योर बर्थडे टुडे, हाँ? हैप्पी बर्थडे टू यू। राम, जैसा तुम सोच रहे हो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ए, काम क्यों रोका? अंदर कुछ है। चल जा। अंदर कुछ है। क्या है वहाँ? है कुछ? हे, अंदर जा। नहीं, नहीं। चल तू आ, चल। देख क्या हो रहा है। Get down, I said. ये ले, इसे कर। हे डरपोक, इधर आ, चल बाहर निकल। हाँ। नीचे रखो। ए, पकड़ सुन।
कौन हो तुम? जंगल में भूत के साथ खेल खेलने आई हो? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते? ए, चलो। Thank you.
मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हेलो हेलो सर, हेलो ये लो, इसे बांध लो। थैंक यू। सुनो, तुम्हें यहां से बाहर निकालने के लिए मैं मदद करता हूं। यहां से बाहर जाने के बाद अपना रास्ता ढूंढ लेना। और तुम? मेरी चिंता मत करो, मैं कैसे भी यहां से निकल जाऊंगा। आ जाओ, अपना पांव रखो। Thank you.
मीरा, make sure she will stay always here. Take me back home. I want to go home. Uncle.
प्लीज हेल्प मी। मेरी बच्ची प्लीज मुझे दे दो। यहाँ तेरे लिए पूरी जगह नहीं है, तो इस बच्ची को ये कैसे संभालेंगे? ये समझ ले कि तूने अपनी बेटी को अंकल के हाथ में सौंप दिया। उसके अंकल शंकर ने उसे माँ से दूर करके बैंगलोर में एक अनाथ आश्रम में भर्ती कर दिया। माया को लंदन के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा के उसकी सारी जायदाद को हड़प लिया। उसकी अंगूठी भी वही ले गया। माया देवी की अंगूठी की कहानी खत्म हो चुकी है,
लेकिन माया देवी को क्या हुआ होगा ये मेरी आने वाली फिल्म की कहानी है। ये इस फिल्म का प्रिक्वल है और उसका नाम है आके। कैसा लगा? अंकल के घर वालों से बात की तो पता चला कि वो अंगूठी उन्हीं के पास है, लेकिन उनके मरने के बाद भी वो अंगूठी दिखाई नहीं दी। उसे भूल जाओ। नहीं। वो क्यों? मेरी जायदाद मुझे मिल चुकी है। ये दोनों फिल्में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उस फिल्म में मैंने एक शर्मिला नाम की लड़की को इंट्रोड्यूस किया था। उसे लेने का एक कारण भी था, क्योंकि वो शर्मिला रियल जिंदगी में माया देवी की बेटी है और इस फिल्म में वो अपने माँ के करेक्टर को खुद जीवंत करेगी। हेलो, अमित कमिंग। अमित। हाँ आ रही हूँ। कहाँ हो तुम लोग? पहले दिन ही नाटक शुरू हो गया क्या? स्वाति, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। भूत की फिल्म है, प्रॉब्लम होती रहती है। वो नागराज कॉस्ट्यूम वाला है ना, अंगूठी लाना भूल गया। घर गया है, लेके आता ही होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ए पागल हो क्या? पहले दिन में ऐसा नाटक कर रहे हो, फिल्म कैसे कंप्लीट होगी? कर लेंगे, जो करना है करो, मुझे शूटिंग टाइम पे कंप्लीट करनी है। ओके सर, आई विल टेक केयर। सर एक प्रॉब्लम हो गई है, वो कॉस्ट्यूम वाला अंगूठी भूल गया है, अगर वो दिख जाए तो। वो नहीं दिखेगा, शुरू करो, जाओ। पीके, हम इसे कलर ग्रेडिंग में ठीक कर सकते हैं। अर्जुन, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, डायलॉग्स भूल रही हूँ, क्या करेंगे? तो क्या हो गया, वो लोग वन मोर टेक करेंगे, बस तुम अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना, क्योंकि इस कैरेक्टर में सिर्फ तुम ही हो जो जान डाल सकती हो। हे हे, शॉट रेडी हो गया है, तुम लोग रोमांस बाद में करना। चलो मेकअप कर लो। आप बाहर जाइए सर। ऑल द बेस्ट। I'm so proud of you. Come fast. रोल प्लीज। शॉट वन, टेक वन, एक्शन। मेरा नाम है माया देवी और ये मेरी कहानी है। कीप ट्रैकिंग।
ओ,